हेलो एवरीवन। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 6.4 को स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें आज के क्लास में दो क्वेश्चंस बनाया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो इसको ध्यान से समझेंगे, दोनों आसान आसान से क्वेश्चंस है। कहा जा रहा है, मान लीजिए कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीएफ दोनों समरूप है। जैसे हमने यहाँ पे शो कर दिया, मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल है एबीसी और एक और कोई ट्रायंगल है जिसका नाम है डीईएफ। ये दोनों ट्रायंगल समरूप है, यानी कि यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी समरूप ट्रायंगल डीईएफ, ये वाली बात क्वेश्चन में दिया हुआ है और इन दोनों का क्षेत्रफल भी दिया है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ये भी दिया है और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ ये भी दिया है। तो एबीसी का क्षेत्रफल दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और डीईएफ का क्षेत्रफल दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसके बाद देखेंगे तो ईएफ का वैल्यू दे दिया है, ईएफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर और हमें बीसी का वैल्यू फाइंड करना है कितना होगा। तो ये क्वेश्चन अभी हम लिखे हैं। आपको पिछले क्लास में हम एक प्रमेय पढ़ाए थे कि जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। और आज हम लोग इस क्वेश्चन को उसी प्रमेय पे बनाएंगे। तो यहां लिखेंगे, चूंकि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ के, इसलिए इसके क्षेत्रफल का अनुपात यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, ये दोनों का अनुपात जो है इसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो इसका लास्ट दुगो है बीसी तो इसका वर्ग, इसका लास्ट दुगो है ईएफ तो इसका वर्ग। तो यहाँ ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल दिया है 64 और ट्रायंगल डीईएफ का क्षेत्रफल दिया है 121। बीसी ये हमें फाइंड करना है और ईएफ ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 15.4 और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिए। अब जरा सोचिए, यहाँ 64/121 बराबर बीसी पर भी स्क्वायर है, 15.4 पर भी स्क्वायर है। तो बीसी और 15.4 ये दोनों पर से स्क्वायर हटा दिए तो इधर ऊपर और नीचे दोनों पे रूट हो जाएगा, ठीक है। ये तो रूल आपको पता है। अब 64 का वर्गमूल 8 और 121 का वर्गमूल 11 बराबर बीसी बट्टा 15.4। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बीसी में 11 से गुणा होगा तो 11 बीसी और 15.4 में 8 से गुणा करना है तो हो जाएगा 8, या ऐसे लिखिए 8 × 15.4। तो बीसी बराबर क्या हो गया, 8 × 15.4 ग्यारह गुणा में है तो 11 इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, 11 से इसको कटाइए, 11 × 11 15 में से 11 गया 4, यहाँ पॉइंट देंगे तो 4 × 4 आएगा तो 11 × 4 = 44 तो कितना हो गया, लिख देंगे इसलिए बीसी इज इक्वल टू 8 × 1.4 से गुणा करेंगे तो 14 × 8 = 112 और पॉइंट के बाद एक अंक है तो यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक आएगा, यानी बीसी बराबर हो गया 11.2 सेंटीमीटर और यही बीसी का मान फाइंड करने के लिए पूछ रहा था। तो इस प्रकार एक नंबर क्वेश्चन को हम लोग आसानी से बना लिए। अब आइए दो नंबर क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो देखिए, आपके सामने ये दो नंबर क्वेश्चन है, एक समलंब एबीसीडी जिसमें एबी समांतर डीसी है उसके विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। और मतलब क्या कि एक समलंब चतुर्भुज यहाँ पे दिया हुआ है और ये समलंब चतुर्भुज का नाम हम लिख देते हैं ए बी सी डी, जिसमें ए बी समांतर डी सी है, यानी ए बी और डी सी समांतर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दिए कि भाई क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो लिखेंगे दिया गया है कि ए बी सी डी एक समलंब है, यानी ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें कौन कौन भुजा समांतर है, तो जिसमें ए बी समांतर डी सी है। तो सिद्ध एक और चीज दिया है क्वेश्चन में, देख लीजिए थोड़ा, क्वेश्चन में ये भी दिया है ए बी बराबर 2 CD, यानी ए बी जो है ना ये नीचे वाला भुजा, ये डी सी का डबल है, ए बी बराबर 2 CD है।
तो सिद्ध हमें फाइंड क्या करना, हमें निकालना क्या है। एक और चीज देखिए कि इसका जो दोनों विकर्ण है ना एक दूसरे को ओ पे कट करता है, यहाँ ओ पर, ठीक है। और हमें फाइंड करना है कि त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल और त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल, ये दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहली चीज कि जब दो त्रिभुज समरूप होता है ना तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो ये दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए तो पहले दोनों को समरूप करते हैं। तो देखिएगा इसको हम समरूप करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखते हैं प्रमाण में कि ट्रायंगल ए ओ बी तथा ट्रायंगल सी ओ डी में, ये दोनों ट्रायंगल में देखिए ए ओ बी ये वाला है, सी ओ डी ये वाला है, तो ये दोनों ट्रायंगल में कौन कौन सा कोण बराबर होगा, जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण इक्वल होगा, इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। इसका पूरा नाम ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, और ऊपर वाले का इसका पूरा नाम डी ओ सी, एंगल डी ओ सी बराबर हो गया। कौन से कोण से बराबर हुआ तो लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण से। अब इस नीचे वाला ट्रायंगल का ये वाला एंगल और ऊपर का ये वाला एंगल, बिकॉज समलंब चतुर्भुज का ये आमने सामने की भुजा समांतर होता है इसीलिए है एकांतर कोण बराबर होगा। इसका नाम ओ ए बी, एंगल ओ ए बी, और इसका नाम ओ सी डी यानी एंगल ओ सी डी, ये दोनों भी आपस में समांतर बराबर होगा क्योंकि ये दोनों कैसा कोण है, तो ये दोनों जो है एकांतर कोण है, तो लिख देंगे एकांतर कोण से। इसलिए ट्रायंगल ए ओ बी समरूप ट्रायंगल सी ओ डी। और आपको पता है कि जब दो ट्रायंगल समरूप होता है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात लिख देंगे, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर क्या हो जाता है, उसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर। तो इसका फर्स्ट और लास्ट ए बी, इसका फर्स्ट और लास्ट सी डी, यहां लिख देंगे ए बी स्क्वायर बटा सी डी स्क्वायर। अब देखिए ए बी का वैल्यू यहां पे समझेंगे तो ए बी बराबर दिया 2 सी डी, तो यहां ए बी के जगह पे भर देंगे 2 सी डी, और स्क्वायर है ना तो इसका स्क्वायर, फिर नीचे सी डी स्क्वायर है तो सी डी स्क्वायर। अब बताइए 2 का स्क्वायर 4 सी डी स्क्वायर बटा नीचे भी क्या है सी डी स्क्वायर, तो सी डी स्क्वायर से सी डी स्क्वायर कट गया, ऊपर है 4 और नीचे कुछ नहीं बचा तो 1, यानी आंसर हो गया 4:1। यही हम लोग आंसर होगा बिकॉज इसी दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा था जो कि 4:1 निकल गया। तो आज हम लोग इस दो क्वेश्चन को बनाए और उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों समझ में आया होगा, और अगले क्लास में हम इससे आगे बढ़ के इस एक्सरसाइज के कुछ अन्य क्वेश्चन को भी बनाएंगे।